दोस्तों आप सभी से नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। ये वही जगह है जहां पर 11 वर्षीय मासूम बालक कुणाल की सीवर के नाले में डूबने से मौत हुई थी। 3-4 दिन हो गए हैं, अब जाके फरीदाबाद नगर निगम होश में आया है, तो अभी नाले की बाउंड्री का काम चल रहा है। भैया अभी सुना था आपने यहाँ पर मौत हुई थी एक बालक की, कुणाल की मौत, उससे पहले बाउंड्री वगैरह नहीं हुई, कुछ भी नहीं, ऐसे बड़ा था। अब जाके बाउंड्री कर रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं, कई काम पहले होना चाहिए था, कई साल से बड़ा है, कोई सुनाई नहीं, काम पहले होना चाहिए था, लेकिन एक बालक की मौत के बाद फरीदाबाद नगर निगम होश में आया है। तो देखिए जेसीबी वगैरह आ गई है, नगर निगम के कर्मचारी आ गए हैं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, ये नहीं घटिया मटेरियल नहीं लगाना भाई, जो भी काम कर रहे हो। आइए उधर से दिखाते हैं आपको, कई बार कच्चा काम कर लेते हैं तो बाउंड्री वाल टूट जाती है 2-4 दिनों के बाद। यहाँ पर बाउंड्री वाल बनेगी और यहीं पर कुणाल डूबा था, देखिए यहीं पर पैर फिसला था और कुणाल की डूबने से मौत हुई थी। हालांकि अभी इसकी बाउंड्री की जाएगी, बाउंड्री कर रहे हो भैया? बाउंड्री कर रहे हैं, अभी बाउंड्री हो जाएगी तो आगे से किसी का पैर नहीं फिसलेगा और किसी की मौत इस तरह से नहीं होगी। तो जेसीबी आ गई है, काम भी शुरू हो गया है, बहुत अच्छी बात है। उधर भी बाउंड्री होनी चाहिए, लोगों की मांग है कि उधर भी बाउंड्री होनी चाहिए और दोनों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए। आपको बता दें यहाँ पर कुछ लोगों ने रोड जाम भी किया था, तो उसके खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है, करीब 8-10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जय साहब, आप भी हैं? जय, अच्छा, अभी जय साहब से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोला था यहाँ पर बाउंड्री हो रही है। ओ भाई सीमेंट वगैरह मिला लेना इसमें, ठीक है, ये ना हो दीवार टूट जाए, 2 दिन बाद फिर से हादसा हो। अच्छा सा मटेरियल मिलाना इसमें, ईंटें वगैरह आ गई हैं, सावधानी से, ईंटें वगैरह आ गई हैं, काम शुरू है। अभी कुछ ही दूरी पर प्रेस वार्ता हो रही है जिसमें जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो लोग अपनी बात रख रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सावधानी से। तो ये काम पहले होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी की जान जाए उसके बाद फरीदाबाद नगर निगम काम शुरू करे। अगर ये बाउंड्री वाल पहले से बन जाती तो बहुत अच्छा होता, किसी की जान नहीं जाती। अब आइए चलते हैं, आपको प्रेस वार्ता में लेकर चलते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं। यहीं चंद कदम दूर पर वो प्रेस वार्ता हो रही है, ये अग्रवाल धर्मशाला आप देख रहे हैं, वहाँ पर प्रेस वार्ता हो रही है, तो वहाँ भी चलेंगे। तो फरीदाबाद नगर निगम होश में तभी आता है जब सीवर में गिरकर किसी की मौत होती है या नाले में गिरकर किसी की मौत होती है, तब जाकर ये लोग होश में आते हैं और काम शुरू करते हैं। अगर ये लोग पहले से काम शुरू कर दें तो इस तरह के हादसे नहीं हो। ये देखिए अग्रवाल धर्मशाला में प्रेस वार्ता हो रही है, अभी आपको वो भी दिखाते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, ये प्रोग्राम लाइव है। तो यहाँ पर प्रेस वार्ता हो रही है, देखिए तमाम मीडिया कर्मी आए हुए हैं, तो आइए चलते हैं अंदर, थोड़ा सा हम लेट हुए हैं लेकिन इनसे बातचीत जरूर करेंगे। बाबा जी नमस्कार, रुक जाइए, अभी वहाँ पर मैंने देखा तो बाउंड्री वाल वगैरह हो रही है, लेकिन ये काम हो रहा है किसी बालक की जान जाने के बाद, अब सवाल ये है पहले क्यों नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो लापरवाह लोग हैं ना, चाहे प्रशासन में बैठे हों चाहे नेतागिरी में हो, ये बिल्कुल मतलब उसको कहते हैं ना कि जिसका कोई वो वली वारिस नहीं है, तो वली वारिस नहीं है तो कुछ भी जो लूटते रहो, जान जाए तब जाके काम करते हैं, इन्हें जान से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये कहते हैं कि अगर ऐसे 100 आदमी मर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। अभी 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आपका भी नाम है संतोष यादव जी, क्या कहना चाहते हैं प्रताप जी? ये हमारे पूर्वांचल समाज के प्रधान है विनय जी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो बैठे भी हुए भी नहीं थे, मैंने खुद देखा था, इसमें उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जो बेचारे समाज हित के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है और क्षेत्र के विधायक है ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए,
तो मैं यहाँ के शासन प्रशासन से और जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी सरकार है, उनको साफ चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई केवल इस बात की है कि क्षेत्र का जो गड्ढा मुक्त होना चाहिए, सीवर का ढक्कन जितने खुले हैं वो बंद होने चाहिए, जो नाले खुले हैं ये बंद होने चाहिए। अगर एक भी मौत होगी तो संतोष यादव और ये पूरे समाज सेवी बाबा राम केवल, विनय जी, राजकुमार जैसे तमाम समाज सेवी दोबारा सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। बाकी जाम वाम लगाने के पक्ष में हम कभी रहते नहीं है, और उस दिन भी आपने देखा होगा कि हमारी किसी से कोई बहस नहीं हुई। हमने केवल बताया कि भाई रोड जाम मत करो, विधायक के घर चलो, वहां पर बातचीत करेंगे। तो किसी शासक कोई आप बैठे थे किसी रोड पर? आप बैठे थे कहीं भी आज तक का? अभी रोड छोड़ो, मेरा तो शुरू से नहीं बैठे थे आज तक का। ये मुकदमा 11 बजे उठा ले गए, ये मुकदमा सरकार ने कराया हमारे खिलाफ, क्षेत्र के विधायक ने कराया है और सांसद ने कराया है, और ये चाहते हैं कि पुलिस और जनता आपस में भिड़े और हम यहाँ पर हिंसा फैले। ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये कोई जाम लगाने वाले आदमी? मेरा दोष ये है कि मैं अच्छा ही नाम है आपका? 11 बजे मेरा नाम सुखपाल सिंह लौट, वाल्मीकि गराना। मैं साफ सफाई करता हूँ पब्लिक के लिए, बहन बेटियों के लिए, ये मेरा दोष है। अच्छे रास्ते पे चलना हमारे लिए दोष है। अगर हम गलत रास्ते गलत आदमी का साथ देंगे तो हम बहुत बढ़िया हैं। मैं खाली बहन बेटियों के साथ खड़ा हुआ, उनसे बोला, एक पुलिस वाला लाठी उठा रहा था, मैंने बोला भाई लाठी मत मारना, आराम से समझाओ। मैं जा रहा था दिल्ली तो मैं खड़ा हो गया, इतने में वो बेटी बच्चे की जो माँ है वो आ गई, उसको मैंने बोला भाई इसको एक साइड में लाओ, पानी की बोतल लाओ और पानी पिलाइए और भीड़ मत करिए। तो मेरा ये कसूर था कि मैं वहाँ खड़ा हो गया, उसके बाद में मेरे को उठा लिया, उठा के। लोगों पर मुकदमा दर्ज है, कौन कौन यहाँ पर है थोड़ा बताइएगा? आपका भी नाम है? क्या नाम? मेरा नाम सुदेश राणा है, हमारा भी एफ आई आर में नाम है। जो वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, और धरने में तो कोई बैठा ही नहीं था, और अगर धरने पर बैठते तो पब्लिक हजारों की तादाद में बैठ जाती है वहाँ पे, और सिर्फ बच्चे की माँ और उनके साथ लेडीज और थी वो बैठे, परिजन बैठे थे, परिजन बैठे हुए थे, और हम पत्रकार भी थे, पानी पिला और एक बेटी थी, पानी ले रही थी, एक बच्ची पत्रकार। क्या नाम है? क्या? हाँ वो पूछ रही थी, उसका पता नहीं नाम है, सुखपालन का नाम है। हमें 11 बजे अरेस्ट कर लिया है, हमें 11 बजे के बाद में डुआ थाने में ले गए। हमें डुआ थाने से जब हमारे कुछ जानकार बंदे पहुंचे वहाँ पे, इसके बाद में हमें सैनिक कॉलोनी पुलिस चौकी में बैठा दिया, भेज दिया हमें। हाँ, जब तक लड़के का दाह संस्कार नहीं हुआ, जब तक हमें छोड़ा नहीं गया। अच्छा, उसके बाद में रात को 8:30 बजे हमको छोड़ा गया है। और आज भैया एक मिनट, आज जो प्रेस वार्ता की है उसका मोटिव क्या था ये बताइए? नहीं, बच्चे की माँ, जो प्रेस वार्ता हमने करी है अभी तक, क्या है कि ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, अब तक पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला है। दूसरा, जो ये एयरफोर्स का नाला है, ये बैरिकेड लगा के केवल खानापूर्ति की गई, सांड आके गिरा देते हैं इसको, तो दोबारा हादसा ना हो, इस पुलिया को जल्द से जल्द बनाया जाए, इसलिए प्रेस वार्ता हमने करी है। और तीसरा, हमारा मकसद था कि जो 2 FIR एक नगर निगम पे हमारे खिलाफ हुई और दूसरा यहाँ पर हुई, तो ये दोनों FIR जनता के हित में हम काम कर रहे थे तब शासन प्रशासन ने किया है, ये FIR दोनों कैंसिल की जाए, और जल्द ही हम इस मामले में DC साहब से भी मिलेंगे, उसकी समय और तारीख आप लोगों को बता देंगे। आप लोगों को धन्यवाद करते हैं जो हम लोगों का आवाज सुनने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसा कांड इस चौक पे काफी हो चुका है जो आप लोग दर्शा चुके हैं, इसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन, यहाँ की म्यूनसिपलिटी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा। अभी इतना बड़ा कांड के बावजूद भी कोई अफसर यहाँ मिलने नहीं आया, किसी से परिवार वालों से उन्हें बात के, कोई प्रशासन के या कोई पार्टी के कोई नेता अभी तक कोई नहीं आया। अब ये लोग सारे लोग एकत्रित हुए हैं, इन लोगों को ऐसे भी लोग बोलते हैं कि आप आम जनता पार्टी, हम लोग बीजेपी के भी आदमी हैं, सारे पार्टी के लोग हैं, सिर्फ आम सियासी तो गड्ढे गड्ढे तो है ही है, पूरा फर्दाबादी गड्ढों से भर पाए। अगर निगम प्रशासन अभी भी नहीं जीता ना तो विभिन्न हादसों का कारण बनते जा रहा है, और फिर ऐसे ही टकराव होगा समाज सेवी और प्रशासनों के बीच। चलो अभी भी मौका है, अभी जो हम पे धारा लगाइए, मेरी धारा की जो पहचान करनी है, थोड़ा सा आप अपना बैक मंदिर के सामने बोर्ड लग रहा है, उस बोर्ड को चेक कर लीजिए। FIR है, FIR नंबर है 502 अंडर सेक्शन 117 147 149 186 323 341। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, करीब 10 लोगों का नाम है। कोई कार्रवाई की है पुलिस ने अभी तक? अभी क्या है, पुलिस और CIA बराबर घूम रही है, सबसे नाम पूछे, क्योंकि इसमें
10 तो बाई नेम है और 60 लोगों के अन्य हैं, उनके खिलाफ है। अभी हमने सुना है CIA को डाउट है कि उस बच्चे को कहीं किसी ने गिरा तो नहीं दिया धक्का। हाँ देखो वो चीज़, देखो वो जांच का विषय है, अगर इसमें पुलिस को इसमें जांच करना चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उस पर ऐसी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिंदगी में भी कोई सोचे भी ना ये दर्दनाक, क्योंकि वो बेचारा अपने परिवार का इकलौता बच्चा था, उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम परिवार पीड़ित जो पवित्र आत्मा उसकी आत्मा की शांति की बात करते हैं, परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं और पीड़ित परिवार के साथ पूरा समाज इस समय खड़ा है। चलो ठीक है, इन्होंने आज प्रेस वार्ता की, इनका डिमांड यही है प्रशासन से कि FIR रद्द की जाए और जो पीड़ित है उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी मदद की जाए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।